गया में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले राज्य के दिवंगत राज्य के महामंत्री मोहम्मद यूसुफ को स्मृति सभा का आयोजन धर्म सभा भवन में किया गया। मीडिया प्रभारी मधु कुमारी ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ जी के छोड़े गए सारे कार्य को संगठन संगठित होकर आगे और भी मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन आईफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ के सारे अरमानों को मंजिल तक हम लोग सभी मिलकर पहुंचाएंगे। इस अवसर पर अनेक लोग उपस्थित थे। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। हम रास्ता में नहीं छोड़े, लेकर करके आगे बढ़े, यही सच्ची श्रद्धांजलि। हमारे हर दिल अजीज नेता, हमारे संघर्ष के साथी, ये सुखदार नहीं है। यूसुफ भाई हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें बहुत दुख है। जहां उनके परिवार को इसकी कमी रहेगी, हमारे संगठन को भी बहुत बड़ी कमी रहेगी इसमें, क्योंकि आंगनवाड़ी का संगठन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और अकेला आंगनवाड़ी का ही नहीं, पहले वो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी संगठन में भी बड़े पदों पर लगातार रहे, और अभी उनका अपना एक कद था। और ख़ास करके बिहार का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का एक नेता के रूप में उनका नाता नहीं था, सबका एक बड़े भाई के रूप में उनका नाता था। और यूसुफ भैया के नाम से सभी लोग उनका बहुत इज्जत करते थे, और वो भी आंगनवाड़ी के संगठन को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा मान के उन्होंने दिन रात इसके लिए मेहनत किया। और आखिरी समय में भी जब वो लोग बेड पे गए, लास्ट उनको अटैक आया, उस दिन भी लास्ट में यही उन्होंने नोट करवाया कि ये लेटर है जो अभी भेजना है सरकार को, और ये मैंने जानकारी दी है। पूरा पॉइंट मरने से पहले उन्होंने अपने एडवोकेट को नोट करवाया, तो इससे ये क्लियर है कि जो घाटा यूसुफ के जाने से होगा, उसका ना पूरा होने वाला घाटा है। सपने थे बिहार के अंदर एक मजबूत संगठन बनाने का और उसको आगे लेके जाने का, तो हम पूरा उनका सपना पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम तन मन धन से रहेगी, और उसके परिवार को ही हम वही सम्मान जारी रखेंगे और अपने परिवार के साथ जोड़ के रखेंगे, क्योंकि उनका परिवार भी हमारा अपना परिवार है। अपना परिचय। मैं उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हम रास्ता में नहीं छोड़े, लेकर करके आगे बढ़े, यही